इनके बिना ये चीज पॉसिबल नहीं थी. मौलिक भाई और नीरव शाह, थैंक यू सो मच. और ये जो अभी गाना बज रहा था, इससे इतना जोश आ जाता है इन लोगों का जो गाना है. मतलब एकदम से आपने लुक ही अलग है. तो ये जो गाना है ये बहुत ही अच्छा है. एंड आई वुड लाइक टू टेक दिस उसका म्यूजिक का, सो दैट वी कैन प्ले इट मेनी प्लेसेस. जहाँ पर हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं उस जगह पर भी मैं उसको प्ले करना चाहूँगी. और एक बात जो मैं आज कहना चाहती हूँ, लड़कियों को प्लीज़ पढ़ाएं. एजुकेशन इज़ एन ऑर्नमेंट. ये मत सोचे ट्वेल्थ हो गई, कॉलेज हो गया, चलो इनकी शादी कर देते हैं. आपको ये नहीं पता है कि ये एजुकेशन कब आपके काम आएगी. लाइफ में कुछ ऐसी मुश्किलें आ जाती हैं तब भी ये एजुकेशन आपके काम आती है. तो एजुकेशन कोई आपसे छीन नहीं सकता. आपके पैसे चले जाएंगे, आपके हस्बैंड चले जाएंगे, सब कुछ, बट आपके साथ क्या रहेगा, आपकी एजुकेशन रहेगी. तो प्लीज़ ऑलवेज लड़कियों को पढ़ाएं, ठीक है. और एक बात जो मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी, मैथ्स का डर, जैसा नीरव भाई ने बोला, बच्चों में इतना ज़्यादा रहता है मैथ्स का डर, मैं वो डर निकालना चाहती हूँ. और स्पेशली गर्ल्स में तो बहुत रहता है. वो सोचती हैं कि भाई हम टेंथ के बाद मैथ्स नहीं करेंगे, हम ट्वेल्थ के बाद मैथ्स नहीं करेंगे, बहुत हो गई, मैथ्स से हमें डर लगता है. तो वो मैथ्स का डर आप कैसे निकालोगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे. तो जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, डर के आगे ही आपको जीत मिलेगी. बचपन में हम सब साइकिल चलाते थे, साइकिल चलाना सीख रहे थे, तब हम लोग सब क्या बहुत डरते थे, हम गिर जाएंगे साइकिल पे से. लेकिन जब आप उस डर का सामना कर लोगे, तब आपके लिए साइकिलिंग बहुत इजी हो गई होगी. सो दिस इज समथिंग दैट यू रियली नीड टू टेक केयर अबाउट. अपने डर से आगे निकलो, जिस चीज़ का भी डर है उसका सामना करो और उससे आगे निकलो. तो डर के आगे ही जीत है. तो आप लोगों को सब, यहाँ जितनी भी लेडीज़ बैठी हुई हैं, मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि ये मत सोचो कि ये क्या, हम ये नहीं करेंगे. काफ़ी लोगों का ये माइंडसेट भी होता है गर्ल्स का. जब मैं पढ़ती थी कॉलेज में, अब डन माय एमएससी मैथ फ्रॉम लेडी श्रीराम कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो जब हम पढ़ते थे तो मेरी कई फ्रेंड्स, अभी टीचर नहीं बनना हमें, हम नहीं टीचर बनेंगे, ये एक धारणा होती है लोगों के मन में. जैसे मेरी, हम तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करेंगे. बट टीचिंग इज़ अ वेरी नोबल प्रोफेशन. एंड यू नो, फॉर द लेडीज इट्स एन ईजियर पार्ट ऑल्सो. कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आप सुबह 8 निकलोगे, रात के 8-9 बजे तक आप वापस आओगे. फिर आपके लिए, फैमिली के लिए काम तो आप ही को करना पड़ेगा. एट द एंड ऑफ द डे फैमिली का ध्यान भी आप ही को रखना पड़ेगा. तो इट बिकम्स अ वेरी टीडियस जॉब देन. सो टीचिंग इज़ अ वेरी नोबल प्रोफेशन. सिर्फ एकेडमिक्स में ऐसे टीचर बनना है ये नहीं, एकेडमिक्स में बहुत कुछ है जो आप आगे कर सकते हो. तो जस्ट डोंट थिंक इट इज़ जस्ट गोइंग टू बी टीचिंग. एंड वॉट एवर यू लाइक, प्लीज़ डू परस्यू दैट. आपको जो भी पसंद है, अपना पैशन फॉलो करिए और सक्सेस आपके कदम झूमेंगी. सो प्लीज़ डू वॉट एवर यू फील good at. That's what I think.